कैसे हैं बच्चों? बच्चों, मैं आज आपको चंपारण आंदोलन के बारे में कुछ खास खास बातें बताना चाहता हूँ। चंपारण आंदोलन को नील आंदोलन भी कहा जाता है। सन 1917 की बात है। बिहार के चंपारण जिले के सारे किसान इकट्ठे होकर महात्मा गांधी जी के पास जाते हैं और अंग्रेजों द्वारा जबरन नील की खेती करवाए जाने का विरोध करते हैं। उनका कहना था कि अंग्रेज उनको एक निश्चित हिस्से पर नील की खेती करने व निश्चित दर पर उसे सरकार को बेचने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती के लिए समाज के सबसे कमजोर वर्ग यानी दलितों को नील की खेती का फरमान सुनाकर अंग्रेज उनको खेती के नाम पर कर्ज देते थे, जिससे कर्ज में डूबे ये किसान जीवन भर बंधुआ मजदूर की तरह अंग्रेजों का काम करते थे और अंग्रेजों के कोड़े खाने के लिए विवश थे। नील की खेती से अंग्रेजों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था और दूसरी तरफ मजबूर किसान बड़े परेशान थे, उनको उनकी पूरी मजदूरी भी नहीं मिलती थी। बच्चों, ये वही नीले रंग का नील है जो हम अपने सफेद कपड़ों को चमकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नील की खेती यानी नीले रंग बनाने वाले पौधों की खेती किसान इसलिए भी परेशान थे क्योंकि इस नील की खेती में बड़ी बदबू आती थी और नील के पौधे की जड़ जो है इतनी गहरी होती थी कि उनको धान की फसल उगाने में भी बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। नील की खेती सबसे पहले बंगाल के 1770 में शुरू हुई थी और बंगाल के ही नदिया जिले के किसानों ने 1859 में पहली बार नील विद्रोह आंदोलन शुरू कर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। धीरे धीरे ये आंदोलन पूरे भारत में फैलता चला गया, जिससे सभी धर्मों और जातियों के लोगों ने मिलकर काम किया। तो बच्चों, किसानों की दुर्दशा को देखते हुए वर्ष 1917 में महात्मा गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर किसानों की स्थिति की विस्तृत जांच की। गांधी जी के जोरदार विरोध के बाद अंग्रेजी सरकार ने जून 1917 में एक जांच कमेटी बिठाई, जिसके परिणाम स्वरूप चंपारण कृषि अधिनियम 1918 पारित हुआ, जिसमें नील बगान मालिकों द्वारा किसानों पर लगाए गए विशेष नियमों से उन्हें मुक्त कर दिया गया। बच्चों, गांधी जी ने इस आंदोलन को बिना लड़े, बिना हथियार उठाए, बिना किसी हंगामे और बिना कोई पैसा खर्च किए पूरे देश को नील की जबरन खेती से मुक्ति दिलाई। चंपारण आंदोलन से प्रेरित होकर ही गांधी जी ने यह तय किया कि वे आगे से केवल एक ही कपड़े पर गुजर बसर करेंगे। इसी आंदोलन के बाद उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया गया। गांधी जी के नेतृत्व में किया गया यह भारत का पहला सबसे बड़ा सत्याग्रह था। इस आंदोलन को जनता का खूब समर्थन मिला, जिसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा। इस तरह पिछले 135 सालों से चली आ रही नील की खेती धीरे धीरे बंद हो गई, साथ ही किसानों का शोषण भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो बच्चों, मुझे आशा है आपको चंपारण आंदोलन के बारे में कुछ समझ आई होगी। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखना।